एमएस धोनी के रिटायरमेंट की चर्चा बाजार में एक बार फिर से गर्म हो गई है। धोनी आईपीएल के पहले सीजन से ही लगातार खेल रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार आईपीएल 2024 के 68वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला था। इस मैच में चेन्नई को जीत नहीं मिली थी। अब कहा जा रहा है कि ये एमएस धोनी का आखिरी मुकाबला हो सकता है, लेकिन धोनी की तरफ से अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा गया है। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि धोनी ने अभी तक फ्रेंचाइजी से इस बारे में कोई बातचीत नहीं करी है और ना ही फ्रेंचाइजी ने उनसे इस बारे में कुछ पूछा है। उनका कहना है कि धोनी को तय करना है कि वो फिर से येलो जर्सी पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। और इसी के साथ शुरुआती दौर में धोनी के साथ खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने माही के रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा किया है। हेडन ने इशारा दिया है कि धोनी भले ही मैदान पर खेलते हुए ना दिखे, लेकिन अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा जरूर होंगे। हालांकि उनकी भूमिका खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि किसी और रूप में होगी। हेडन का मानना है कि मुझे लगता है कि यही धोनी का आखिरी मैच था, लेकिन निश्चित रूप से ये उनका आखिरी सीजन नहीं होगा। मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर वो अगले सीजन बतौर मेंटोर या किसी अन्य कोचिंग स्टाफ सदस्य के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स से ना जुड़ जाएं। हेडन ने आगे धोनी की शानदार करियर की चर्चा करते हुए उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स का थाला बताया। उन्होंने कहा कि जब आप अपने करियर के एंड में होते हैं तो आप ये नहीं देखना चाहते कि आप खिलाड़ी के रूप में कमजोर पड़ रहे हैं। धोनी एक लीडर के रूप में हमेशा चेन्नई को चैंपियन बनाने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि महेंद्र सिंह धोनी आपको मैदान पर खेलते हुए दिखाई देंगे या मैदान के पीछे रहकर आपको आपकी टीम को कोचिंग देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।